प्रिपरेशन ऑफ सुपोजिटरीज, नंबर वन इज हैंड रोलिंग मेथड, नंबर टू इज फ्यूजन मेथड एंड नंबर थ्री इज कोल्ड कंप्रेशन मेथड. नाउ हैंड रोलिंग मेथड, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सुपोजिटरी व्हेन ओनली फ्यू सब्सटेंसेस आर प्रिपेयर्ड इन अ कोकोआ बटर. इट हैज़ एडवांटेजेस, अ प्लास्टिक लाइक मास इज ट्राइचुरेटेड एंड ग्रेटेड विद द कोकोआ बटर एंड द इन्ग्रीडियंट्स आर ट्राइचुरेटेड इन द मॉटर. हैंड रोलिंग मेथड में क्या है, इस ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है सुपोजिटरी को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम इसे. ठीक है, इसमें क्या है, हम कोकोआ बटर को यूज़ करते हैं एज अ सुपोजिटरी बेस, दैट इज थियोब्रोमा ऑयल. इसमें क्या है, इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स किया जाता है. ठीक है, और इसमें क्या है, एक प्लास्टिक लाइक मास बनाया जाता है, इन्ग्रीडियंट्स को ट्राइचुरेट किया जाता है, ग्रेट किया जाता है कोकोआ बटर के साथ. ठीक है, फिर उन इन्ग्रीडियंट्स को जो मोटर होता है हमारा, ठीक है, उसमें ट्राइचुरेट किया जाता है और एक प्लास्टिक लाइक मास बनाया जाता है. ठीक है, द मास इज फॉर्म्ड इनटू अ बॉल इन द पाम ऑफ द हैंड्स एंड देन रोल्ड इनटू अ यूनिफॉर्म सिलेंडर विद अ लार्ज स्पैचुला और स्मॉल फ्लैट बोर्ड ऑन अ पिल टाइल. इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें सुपोजिटरी को बनाना है, उन इंग्रेडिएंट्स को कोकोआ बटर के साथ मिक्स किया जाता है. ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको ट्राइचुरेट किया जाता है मोटर पेस्टल में. ठीक है, फिर उसके बाद एक हमारा प्लास्टिक लाइक मास बन जाता है, उसे एक हमने बॉल की फॉर्म में बनाना है. ठीक है, अपने हाथों से, अपने हाथों की पाम से, ठीक है, हमने उसको रोल करना है. रोल करने के बाद एक यूनिफॉर्म सिलेंडर टाइप बनेगा, शेप बनेगी हमारी सिलेंड्रिकल टाइप, जैसे आप देख रहे हैं ना ये पिक्चर में, तो सिलेंड्रिकल लाइक शेप बनेगी. ठीक है, फिर उसको क्या है, हमने जो हमारी एक टाइल का सरफेस है उसके ऊपर रोल करना है, तो एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, फिर जो ये हमारा सिलेंडर है बना सुपोजिटरी का, इसको हमने क्या करना है, कट करना है पीसीज में. ठीक है, पीसीज में कट करने के बाद इसको क्या करना है, कोनिकल शेप में प्रोड्यूस करना है, कोनिकल शेप में लाना है. ठीक है, उसके बाद जो ये हैंड रोलिंग मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है ना, नेक्स्ट मेथड इज फ्यूजन मेथड, मेल्टिंग द सुपोजिटरी बेस, डिस्पर्सिंग और डिजॉल्विंग द ड्रग इन द मेल्टेड बेस. इस मेथड में, फ्यूजन मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले सुपोजिटरी के बेस को लिया जाता है. ठीक है, फिर उसको हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसमें ड्रग को डिजॉल्व किया जाता है बेस में. ठीक है, फिर जो हमारा मिक्सचर बनता है उसको रिमूव किया जाता है हीटिंग मेथड से. ठीक है, हीट करने के बाद उसको सुपोजिटरी का जो मोल्ड होता है उसमें पोर किया जाता है, ऐड किया जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद इसको मेल्ट किया जाता है कंजील होने के लिए. ठीक है, उसके बाद जो हमारे सुपोजिटरीज है मोल्ड में से उनको रिमूव किया जाता है. ठीक है, जो फ्यूजन मेथड है इसको हम यूज़ कर सकते हैं सब टाइप की सुपोजिटरीज के लिए. ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और मेथड से ये मोस्ट कॉमन मेथड है. स्मॉल स्केल मोल्ड्स होते हैं, उनसे हम 6 to 12 सुपोजिटरीज को बना सकते हैं एक मेथड से, एक ऑपरेशन में. ठीक है, इंडस्ट्रियल मोल्ड्स होते हैं, इंडस्ट्री में जो हम मोल्ड्स यूज़ करते हैं सुपोजिटरी को बनाने के लिए, वो हंड्रेड्स ऑफ सुपोजिटरीज को प्रोड्यूस करते हैं सिंगल मोल्डिंग में. क्लियर, ये हमारा फ्यूजन मेथड है. इसमें आप देख सकते हैं ये मोल्ड्स हैं हमारे, कैसे हम सुपोजिटरी, जो हमारा बेस और ड्रग है उसका मिक्सचर हम मोल्ड में डालते हैं, फिर उसको अलाउ करते हैं कूल के लिए और उसमें से सुपोजिटरी को रिमूव करते हैं. ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड्स हैं. नेक्स्ट मेथड इज कोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग. कोल्ड कंप्रेशन मोल्डिंग जो ये हमारा मेथड है, ये हमारा सुपोजिटरीज को बनाने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इसमें हमारा कोल्ड कंप्रेशन यूज़ करते हैं, कोल्ड कंप्रेशन मोल्ड्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो मशीन्स होते हैं उसमें, जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपको डायग्राम है. ठीक है, ये हमारा कंप्रेशन मोल्ड है, इसमें एक पिस्टन है. ठीक है, सिलेंडर है, प्रिपेयर्ड मास, नैरो ओपनिंग, मोल्ड, स्टॉप प्लेट. जो सुपोजिटरी का बेस है और इंग्रेडिएंट्स हैं उसे कंबाइन किया जाता है. ठीक है, मिक्स किया जाता है. उसके बाद क्या है, द फ्रिक्शन ऑफ द प्रोसेस कॉजिंग द बेस टू सॉफ्टन इनटू अ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी. सुपोजिटरी के बेस को और हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्रग है, उसको मिक्स किया जाता है. उसके बाद क्या किया जाता है, हमारा
उसको पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है उसको फ्रिक्शन के साथ, फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। ऑन अ स्मॉल स्केल अ मोटर और पेस्टर मे बी यूज्ड, ठीक है, मींस हम जैसे स्मॉल स्केल में यूज़ करना है तो उसमें हम मोटर और पेस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लार्ज स्केल में हम क्या यूज़ करते हैं, मैकेनिकली ऑपरेटेड नीडिंग मिक्सचर्स, मिक्सर्स को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में सुपोजिटरी को बनाने के लिए, ठीक है। एंड वार्म्ड मिक्सिंग वेसल में भी अप्लाइड, और जो हमारी वार्म्ड मिक्सिंग वेसल होती है, कंटेनर होता है एक, ठीक है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेशन मशीन हमारी होती है, द सुपोजिटरी मास इज प्लेस्ड इन टू अ सिलेंडर विच इज़ देन क्लोज्ड, ये हमारी कंप्रेशन मशीन होती है, ठीक है। इसमें हम बीच में सुपोजिटरी के मास को रख देते हैं, जहाँ पे ओ शो हो रहा है, सुपोजिटरी के मास को रखते हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर अप्लाई किया जाता है एक एंड से, ठीक है, और रिलीज किया जाता है जो मास है हमारा अदर एंड पे, ठीक है, इन टू द सुपोजिटरी मोल्ड और डाई। फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है एक एंड से और सुपोजिटरी को मूव किया जाता है टू द अदर एंड, ओके, इन टू द सुपोजिटरी मोल्ड और डाई। व्हेन द डाई इज फिल्ड विद द मास, अब जो ये डाई है आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, जब ये जो डाई है ये सुपोजिटरी से फिल हो जाएगी, फिर एक मूवेबल एंड प्लेट होती है बैक साइड पे डाई के, ठीक है, उसे रिमूव किया जाता है और एक एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे जो मास है हमारा सिलेंडर का, ठीक है, उससे हमारी जो सुपोजिटरी बनी है वो हमारी इजेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो हमारी एंड प्लेट है उसको रिटर्न किया जाता है और इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है, तब तक रिपीट करते हैं जब तक सुपोजिटरी का मास हमारा बन नहीं जाता। तो ये मेथड है हमारा कंप्रेशन मोल्ड मेथड और कोल्ड कंप्रेशन मेथड। तो हमने थ्री मेथड स्टडी किए हैं, फर्स्ट इज हैंड मोल्डिंग मेथड, सेकंड इज फ्यूजन मेथड एंड थर्ड इज कोल्ड कंप्रेशन मेथड। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेसेस वन पार्ट ऑफ द बेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किसी भी ड्रग की क्वांटिटी होती है जो डिस्प्लेस करती है एक पार्ट ऑफ द बेस, बेस का जो एक सिंगल पार्ट है उसको जो क्वांटिटी ऑफ द ड्रग डिस्प्लेस करती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, कि क्या क्वांटिटी ड्रग की डिस्प्लेस करेगी किसी एक पार्ट ऑफ बेस को। अब हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ अ मेडिकमेंट इन थियोब्रोमो ऑयल सुपोजिटरीज कंटेनिंग 40% मेडिकमेंट प्रिपेयर्ड इन 1 ग्राम मोल्ड द वेट ऑफ 10 सुपोजिटरीज इज 14.66 ग्राम। अब इसका मतलब क्या है, हमें डिटरमाइन करना है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एक मेडिकमेंट की ड्रग की, ठीक है, किसमें, थियोब्रोमो ऑयल की सुपोजिटरीज में, ठीक है, जिसमें 40% ड्रग है हमारी, ठीक है, और जो हमने मोल्ड लिया है वो कितना है वेट उसका 1 ग्राम, ठीक है। तो हमने 10 सुपोजिटरीज है उसका वेट दिया हुआ है हमें 14.66 ग्राम, तो हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले क्या है, वेट ऑफ 10 सुपोजिटरीज कंटेनिंग थियोब्रोमो ऑयल अलोन प्रिपेयर्ड इन 1 ग्राम मोल्ड, 1 ग्राम मोल्ड में कितनी बनेगी, 1 × 10, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ 10 सुपोजिटरीज कंटेनिंग 40% ऑफ द मेडिकमेंट, ठीक है, तो ये कितना गिवन है हमें 14.66 ग्राम, क्लियर। फिर उसके बाद हम थियोब्रोमो ऑयल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कितना प्रेजेंट है, ये आ जाएगा हमारा 60/100, ठीक है, 60/100, 60 क्यों लिया है क्योंकि 40% तो मेडिकमेंट है और बचे कितने 60, तो 60/100 × 14.66 तो ये आ जाएगा 8.79 ग्राम। उसके बाद अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट प्रेजेंट, ये आ जाएगा हमारा 40 हमारी मेडिकमेंट है ना 40%, 40/100 × 14.66 तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 5.86 ग्राम। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ थियोब्रोमो ऑयल डिस्प्लेस्ड बाय द 5.86 ग्राम ऑफ मेडिकमेंट, कि कितना थियोब्रोमो ऑयल को हमारी ड्रग ने डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, तो ये आ जाएगा हमारा 10 ग्राम है ना हमारा मोल्ड, 10 − 8.79 तो ये आ जाएगा 1.20। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट प्रेजेंट दैट इज 5.86 अपॉन
amount of theobroma oil displaced by the 5.86 gram of medicament, that is 1.20. तो इसका आंसर आएगा 5, approximately 5. तो इस मेथड से हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है. ठीक है, नेक्स्ट इज पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ द सुपोजिटरीज. सुपोजिटरीज को हम पैक करते हैं थिन और एल्यूमिनियम पेपर में या फिर प्लास्टिक में. ठीक है, जो हमारी सुपोजिटरीज को हमने पुअरली पैक किया है, ठीक है, उसमें स्टेनिंग हो सकती है, ब्रेकेज हो सकती है, डिफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि वो मेल्ट कर जाते हैं ना. इसलिए जो हमारी कोकोआ बटर की और ग्लिसरोजिलेटिन सुपोजिटरीज होती है उन्हें स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर में. ओके, जो हमारी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की सुपोजिटरीज होती है उसको हम रूम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं. ठीक है, उसकी हम रेफ्रिजरेशन नहीं करते. उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ सुपोजिटरीज. सुपोजिटरीज को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सुपोजिटरीज के ये है हमारे, नंबर वन इज वेस इवेल्युएशन टेस्ट आर, नंबर वन इज टेस्ट फॉर अपीयरेंस, सेकेंड इज टेस्ट फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, थर्ड इज टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट, फोर्थ इज टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज, फिफ्थ इज टेस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग टाइम, देन टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट एंड टेस्ट ऑफ ड्रग अपटेक. ये हमारा किस में आ जाएगा, इवेल्युएशन ऑफ सुपोजिटरीज में, कि कौन कौन से टेस्ट हम सुपोजिटरीज के परफॉर्म करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ अपीयरेंस. इसमें हम अपीयरेंस देखते हैं सुपोजिटरी की, कि उसका साइज यूनिफॉर्म है, शेप यूनिफॉर्म है उसकी, उसकी जो अपीयरेंस है वो एलिगेंट है, गुड अपीयरेंस है उसकी. हर सुपोजिटरीज को हम इंडिविजुअली एग्जामिन करते हैं कि उसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, उसमें कोई पिट्स तो नहीं है, कैविटीज तो नहीं है, या फिर उसमें कोई भी एयर की एंट्रैपमेंट तो नहीं हो रखी है मोल्टन मास में. तो इससे हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेक करते हैं. सेकेंड टेस्ट होता है टेस्ट फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ. फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ है. ठीक है, इसको हम मेज़र करेंगे. इसमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ये एबिलिटी होती है सुपोजिटरीज की टू विदस्टैंड द रिगर्स ऑफ नॉर्मल हैंडलिंग. जब नॉर्मल हैंडलिंग कर रहे हैं तो हैंडलिंग के दौरान उसमें कोई भी रिगर ना आए. ठीक है, वो मीन्स इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग द रिगर्स. ठीक है, द apparatus used is called as breaking test apparatus. इसमें कौन सा apparatus यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए, breaking test apparatus. इसमें क्या है, एक ये एक डबल वॉल चैम्बर होता है. ठीक है, ये है हमारा breaking test apparatus, और hardness tester भी बोलते हैं हम इसको. ये एक डबल वॉल चैम्बर होता है, दो वॉल्स होती हैं इसमें. ठीक है, थ्रू द वॉल्स ऑफ द चैम्बर वाटर इज पम्प्ड. अब जो हमारी इस चैम्बर की वॉल होती है उसमें से वाटर को पंप किया जाता है. जो अंदर का चैम्बर होता है उसमें एक क्या होता है, डिस्क होती है. ठीक है, डिस्क में हम किसको रखते हैं, सुपोजिटरीज को रखते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो ये डिस्क होती है इसको रॉड से अटैच करते हैं. ओके, और अदर हैंड में क्या करते हैं हम, जो रॉड होती है वो दूसरी डिस्क से अटैच होती है. ठीक है, और उसमें हम वेट्स को प्लेस कर देते हैं. क्लियर, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा ब्रेकिंग टेस्ट एपरेटस या हार्डनेस टेस्ट एपरेटस है. ठीक है, इसमें हमने इसको डिज़ाइन किया है फॉर मेजरिंग द ब्रिटलनेस ऑफ द सुपोजिटरी, कि उसकी ब्रेकेज कैसे हो रही है, ब्रिटलनेस कितनी है उसकी. ठीक है, द सुपोजिटरी इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट में हम उसको प्लेस करते हैं. ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, 600 ग्राम को ऐड किया जाता है. ठीक है, सुपोजिटरी का वेट 600 ग्राम होना चाहिए, और उसको एक मिनट के लिए रखते हैं, वन मिनट के लिए रखते हैं. ठीक है, हम ये टाइम देख लेंगे स्टॉपवॉच में, वन मिनट के लिए रखेंगे इसको. ठीक है, अगर वो ब्रोक नहीं हुई है, टूटी नहीं है, तो हम उसमें 200 ग्राम हर मिनट बाद ऐड करेंगे, 200 ग्राम सुपोजिटरी ऐड करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में. ठीक है, तब तक ऐड करते रहेंगे हम एक एक मिनट बाद, जब तक हमारी सुपोजिटरी ब्रेक नहीं होती. ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट है, इसको हम कंडक्ट करेंगे टू चेक द ब्रेकेबिलिटी और हार्डनेस ऑफ द सुपोजिटरी. ठीक है, ये हमारी मशीन है, इससे हम चेक करते हैं इसकी हार्डनेस. नो टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि हमारी जो ड्रग है डोसेज फॉर्म से वो कैसे डिसॉल्व कर रही है बॉडी फ्लूइड्स में एक यूनिट टाइम में. ठीक है, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, मींस किसी भी डोसेज फॉर्म में से ड्रग का रिलीज होना किसी भी यूनिट टाइम में. ये हमारी क्या मेजरमेंट होती है, कि हमारी ड्रग रिलीज प्रोफाइल क्या है, सुपोजिटरी में से ड्रग कैसे रिलीज हो रही है. ठीक है, इसमें हम दो एपरेटस यूज करते हैं. पहला है हमारा सुपोजिटरी डायलिसिस सेल. ठीक है, सेकंड है हमारा स्टेशनरी बास्केट. तो सुपोजिटरी डायलिसिस सेल में क्या होता है, ये हमारा डायलिसिस सेल है. ठीक है, तो इसमें लिपोफिलिक सुपोजिटरीज होती हैं, उसको टेस्ट किया जाता है. ठीक है, ये एक डायलिसिस सेल है. ठीक है, इसमें क्या क्या लगा है, थर्मोस्टैटिक वाटर बाथ है. क्लियर,
डायलिसिस मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये। उसके बाद है नैनो पार्टिकल लोडेड सुपोजिटरी, सुपोजिटरी को इस डायलिसिस मेम्ब्रेन में स्टोर किया जाता है, ठीक है। पीएच फॉस्फेट वफर लेते हैं, 7.2 पीएच होता है, ओके। ग्लास बीड्स डाल देते हैं इसमें और एक मैग्नेटिक स्टरर लगा हुआ है। तो डायलिसिस सेल में हम क्या मेज़र करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, लिपोफिलिक सुपोजिटरीज को, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम मॉडिफाइड फ्लो थ्रू सेल भी बोलते हैं, ओके। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपने। सेकंड है आपका स्टेशनरी बास्केट। स्टेशनरी बास्केट कौन सा है हमारा, दिस वन। स्टेशनरी बास्केट में एक बास्केट होती है, ठीक है। किससे अटैच होती है ये, हमारी बास्केट शाफ्ट से, ठीक है। इसको डिप किया जाता है किसी भी वेसल में, बीकर है ये हमारा, ठीक है, वेसल है। इसमें हम सुपोजिटरी को टेस्ट करते हैं। ये रोटेटिंग पैडल एपरेटस होता है, ये हाइड्रोफिलिक सुपोजिटरीज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम रोटेटिंग पैडल एपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर मेल्टिंग रेंज। इसमें मेल्टिंग रेंज को, मेल्टिंग पॉइंट को टेस्ट किया जाता है, दो मेथड से करते हैं, मैक्रो मेल्टिंग रेंज एंड माइक्रो मेल्टिंग रेंज। मैक्रो मेल्टिंग रेंज में क्या होता है, ये थर्मल स्टेबिलिटी होती है। जो थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसमें वो कितनी स्टेबल है सुपोजिटरी, तो ये चेक किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि वो मेल्ट हो रही है टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है वाटर बाथ पे, तो किस कितने टाइम में वो मेल्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं मैक्रो मेल्टिंग रेंज, ठीक है। इस टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एपरेटस में, क्लियर। इसमें क्या करते हैं, सुपोजिटरी को इमर्स किया जाता है कांस्टेंट वाटर बाथ में, वाटर बाथ होती है ना, तो उसमें हम इसको इमर्स करते हैं और चेक करते हैं कि कितने टाइम में हमारी सुपोजिटरी मेल्ट हो रही है, उसकी मेल्टिंग रेंज को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सेकंड है माइक्रो मेल्टिंग रेंज। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फैटी बेस होता है ना, उसकी मेल्टिंग रेंज को हम डिटरमाइन करते हैं, मेज़र करते हैं कैपिलरी ट्यूब्स में, ठीक है। ये टैबलेट इंटीग्रेशन एपरेटस है, ये हमारा राइट साइड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बाय कैपिलरी ट्यूब, क्लियर। ये हमारे मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है कितने टाइम में मेल्ट हो रहा है, उसकी मेल्टिंग रेंज क्या है। नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग टाइम। सॉफ्टनिंग टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम फॉर विच द सुपोजिटरी मेल्ट कम्प्लीटली एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। दिस टेस्ट मेजर द सॉफ्टनिंग टाइम ऑफ सुपोजिटरी विच इंडिकेट द हार्डनेस ऑफ द बेस। सॉफ्टनिंग टाइम क्या होता है, ये टाइम होता है कि किस टाइम पे हमारी सुपोजिटरी मेल्ट करेगी किसी भी डेफिनेट टेम्परेचर पे, मीन्स सुपोजिटरी हमारी कम्प्लीटली मेल्ट करेगी किस टाइम पे और एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है। इस टेस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेज़र करता है सॉफ्टनिंग टाइम को, सुपोजिटरी का सॉफ्टनिंग टाइम क्या है, जो इंडिकेट करता है कि बेस की हार्डनेस कितनी है। तो इसमें मेथड हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें एक सेलोफेन ट्यूब होती है, ठीक है, ये सेलोफेन ट्यूब होती है, ठीक है। इसको टाई किया जाता है दो एंड से कंडेंसर के साथ, ठीक है। अपर और लोअर एंड इसका किससे कनेक्ट है, कंडेंसर से, ठीक है। जो हमारी सेलोफेन ट्यूब है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये दोनों एंड से ओपन है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो इसमें वाटर को सर्कुलेट किया जाता है कंडेंसर से, एक वाटर इनलेट है, एक वाटर आउटलेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ऊपर का हाफ होता है ट्यूब का, उसे ओपन किया जाता है वाइडली और लोअर हाफ कलेप्स हो जाता है, ठीक है। तो हम सुपोजिटरी को ड्रॉप करते हैं वाटर में कंडेंसर के अंदर, ठीक है। फिर जो टाइम पीरियड होता है, किस टाइम पे हमारी सुपोजिटरी मेल्ट करेगी कम्प्लीटली, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग टाइम, क्लियर। ये आप देख सकते हैं सेलोफेन ट्यूब है, ठीक है, इसके दोनों एंड्स ओपन है, ये कंडेंसर से अटैच है, ऊपर से सुपोजिटरी डालेंगे और टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम में हमारी सुपोजिटरी मेल्ट कर रही है, ओके, इसे बोलते हैं सॉफ्टनिंग टाइम। नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी सुपोजिटरीज हैं उसका ऐसे किया जाता है कि उसमें ड्रग का कंटेंट कितना है, यूनिफॉर्मिटी क्या है उसमें डोसेज की, ठीक है। तो इसके बाद जो है इनमें क्या है, दे मस्ट कंटेन द लेवल क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ ड्रग अपडेट अपटेक। इसको हम इनविट्रो और इनविवो टेस्ट से करते हैं। इनविट्रो कौन सा होता है, जो बॉडी से बाहर करते हैं, इनविवो जो बॉडी के अंदर, ठीक है। इनविट्रो टेस्ट में क्या किया जाता है, ये टेस्ट सेम होता है जैसे ह्यूमन बॉडी में करते हैं, ठीक है ना। इसमें डिसोल्यूशन एपरेटस यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसकी कंडीशन सेम होती है जैसे हमारी स्टमक की कंडीशंस होती हैं, इंटेस्टाइन की कंडीशंस होती हैं, वैसी कंडीशंस ही हमने इसमें मेंटेन की है।
इसमें क्या है, सुपोजिटरीज को प्लेस किया जाता है, ठीक है, उसके बाद डिजोल्यूशन मीडियम को विड्रॉ किया जाता है और उसको हम उसमें मेजर करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। इन विवो टेस्ट में क्या करते हैं, इस टेस्ट को एनिमल्स में और ह्यूमंस में कैरी करते हैं, ठीक है, उन पर परफॉर्म किया जाता है ह्यूमंस और एनिमल्स पे, तभी इनको इसको इन विवो बोलते हैं। इन विवो मतलब बॉडी के अंदर एनिमल्स और ह्यूमंस पे अप्लाई किया जाता है इस टेस्ट को। इसमें सुपोजिटरी को प्लेस किया जाता है बॉडी की कैविटी में ह्यूमंस के या एनिमल्स के, और रेगुलर टाइम इंटरवल में उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि ड्रग हमारी अमाउंट कितना है, ड्रग का प्रेजेंट, ड्रग का अमाउंट मेजर किया जाता है, क्लियर। ये हमारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इसमें हम चेक करते हैं कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।